नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। मनुष्य का शरीर काफी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से रचा गया है। इसमें कई सारे ऑर्गन्स हैं, यानी अंग हैं, आंतरिक अंग, लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, आंत, पेट, बहुत सारे अंग हैं, ग्लैंड्स हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हार्मोन रिलीज करते हैं, मांस हैं, मज्जा हैं, हड्डी हैं, बहुत सारे तंत्र को आखिर हम कैसे संभाल के रखें, यही सबसे बड़ी देन है योग की। तो आज योग के इस खजाने से दो आसन आपको बताने जा रहे हैं जो सभी अंगों के लिए उपयोगी है। सिर्फ मेरे कहने से वो उपयोगी हो जाए ऐसा नहीं है, वास्तविकता में वो उपयोगी है। तो योग कायाकल्प के आज के एपिसोड में हम इन दो आसनों पे बात करने जा रहे हैं। हो सकता है इन दो आसनों का आप नाम जानते हो लेकिन अच्छे से इसको कभी समझे नहीं हो, या सही तरीका क्या है आसन करने का, किन किन गलतियों से हमें बचना चाहिए और कैसे वो गलतियां लेने के बदले देने में स्थिति ले आती है, उसको जरूरी है समझना। तो आज इन आसनों की तरफ जाते हैं। सबसे पहला जो आसन है सेतुबंध आसन है। सेतुबंध के कई अंगों को लाभ पहुंचाने के गुण की वजह से इसका पूरा नाम जो प्राचीन काल में लिया जाता था सेतुबंध सर्वांग आसन, यानी सभी अंग को जो बेहतर करे वो आसन सेतुबंध है। तो पहला आसन हम सेतुबंध करने जा रहे हैं, फिर दूसरे को समझेंगे। तो सेतुबंध करना क्या है उसको सीधे हम देखते हैं और किस तरह से ये लीवर, किडनी, पेनक्रियाज में क्यों इफेक्टिव है, मैं उसको लॉजिकल तरीके से आपको बताऊंगा, उसको ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले आप जो शवासन की स्थिति है उसमें आप लेट जाते हैं, पूरा शरीर जो अपर बॉडी है यानी सिर और गिरवा काया एक लाइन पे हमारा रहना चाहिए। दोनों पांव को घुटने से हमने बेंड कर दिया ताकि मेरा जो हील है वो हिप के करीब आ जाए। इसमें ध्यान देने की योग्य बात यह है कि हमें कितना दूर पे रखना, किस कोई पांव यहाँ रख देते हैं, कोई एकदम से चिपका देते हैं, यहाँ से हमें समझना शुरू करना है कि स्थिति क्या होगी। पहली बात कि हमेशा पांव के बीच में हिप के बराबर गैप दे, जितनी हमारी हिप की चौड़ाई होगी वो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है, उतना पंजे के बीच में दूरी हो। कोई ज्यादा रख देते हैं, कोई चिपका के रख देते हैं, कोई यहाँ तहाँ रख देते हैं, पांव को आगे पीछे नहीं रखना है, एक लाइन पर हो और जितनी मेरी हिप की चौड़ाई है उसके सीध में रख दिया। दूसरा पॉइंट कि हमारा हील और हिप के बीच में चार उंगली के करीब का गैप रहना चाहिए। तो जब आप बॉडी को उठाएंगे सेतुबंध में तो आपका पांव आपको प्रॉपर पिलर की भांति सपोर्ट देगा आसन में। हाथों की स्थिति को बाजू में सीधा रखना है ताकि आपका दोनों हाथ एक दूसरे से पैरेलल हो जाए, गर्दन, ग्रीवा ये सब सहजता में हो। किसी का गर्दन टेढ़ा रहता है, ऐसा हो जाता है तो उसको एक कुशन लगाने की यहाँ पर जरूरत रहेगी ताकि उनके गर्दन पर किसी तरह का भार या स्ट्रेन आसन की स्थिति में नहीं आए। यहाँ पर आने के बाद आसन में जाने के लिए आप सांस लेते हुए धीरे धीरे पैल्विक के एरिया को ऊपर उठाएं। ख्याल रहे कि ये उठाना धीमे गति से हो, कई लोग इसको उठाने में इस गर्दन को और कंधे को उठा देते हैं। आपका कंधा पूरी तरह से विश्राम स्थिति में हो, गर्दन विश्राम में हो, सिर विश्राम में हो, आप अपने पंजों के सहारे से पैल्विक को ऊपर उठाएंगे। किसी का ज्यादा किसी का कम उठेगा तो हम उस स्थिति को स्वीकार करेंगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप इस तरह से इंटरलॉक करेंगे तो आपके कंधे पे एक ओपनिंग आएगा और पैल्विक को और आप उठा पाएंगे। जितना ज्यादा हम पंजे को प्रेस करते जाएंगे हम इस भाग को उठाने में सहज होंगे। तीसरी स्थिति ये भी हो सकती है कि हम इसको सपोर्ट दें, लेकिन सपोर्ट देने में ऐसा वैसा टेढ़ा आड़ा नहीं हो जाए, सहजता से सपोर्ट नहीं मिलता है तो आप इंटरलॉक करके भी रख सकते हैं या हल्का सा सपोर्ट दें। ध्यान रखें कई लोग का पंजा इस तरह से घुटना भाग जाता है, जितना घुटना ऐसा भागेगा हमारे लोअर बैक पर प्रेशर उतना ही ज्यादा आएगा
और इस तरह से हमारे बैक पर परेशानी शुरू हो जाएगी। अभी मैं आसन की स्थिति बताता जा रहा हूँ, फिर ये क्यों लाभ ज्यादा करता है इसको डिस्क्राइब मैं करने जा रहा हूँ। देखें तो सांस लेते हुए हम धीरे धीरे पांव को उठाएं और इस स्थिति में हम बने रह सकते हैं, सपोर्ट भी दे सकते हैं। ये स्थिति में आपको क्या ध्यान रखना है कि सांस को वशिष्ठ प्राणायाम की तरह लेते हुए पेट फुलाएंगे और छोड़ते हुए अंदर करेंगे। जब आप इस स्थिति में देर तक, यानी कम से कम एक मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा तीन मिनट रहें, नॉर्मल सांस रख के जितनी सहजता हो उतने ही आसन में रुकना है, तो लाभ होना शुरू होता है। पहला लाभ क्या है, थायराइड के तरफ आप देखेंगे कि ज़्यादा ब्लड का फ्लो बढ़ता है, क्योंकि हार्ट पहली बार ऊपर होता है। हमेशा क्या होता है, सिर ऊपर हार्ट नीचे, लेकिन इस आसन की स्थिति में हार्ट ऊपर। आपका लंग्स ज़्यादा ओपन होता है, हार्ट ओपन होता है, लीवर का एरिया में ज़्यादा स्ट्रेच होता है। तो ये सब अंग को, यानी थायराइड को, इस आसन में बहुत देर तक रह के बताना मुश्किल है, तो मैं बता रहा हूँ, थायराइड को, लीवर को, आपके लंग्स को, आपके हार्ट को, इन चार अंगों को खास तौर पे लाभ पहुँचा। फिर जब हम इस तरह से रहते हैं तो जो हमारा किडनी का रीज़न है, तो ये किडनी के लिए अच्छा है ये आसन। हम लोग इसीलिए खास तौर पे हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को जरूर कहते हैं किया करें, क्योंकि जिनको प्रेशर रहेगा उनका किडनी के ऊपर भी परेशानी बढ़ेगी, तो ये आसन उससे आपको बाहर निकाल सकता है। ये आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए अच्छा है, यानी प्रोस्टेट की बीमारी नहीं होगी। यौन रोग जिनको है उनका पैल्विक फ्लोर और ये जो गोनाड्स ग्लैंड होता है जो यौन शक्ति से रिलेटेड हार्मोन रिलीज करता है, उसको बेहतरी करता है, आपके बैक को मजबूत करता है, पैल्विक को मजबूत करता है। जिन माँ बहनों को पीरियड से रिलेटेड डिस्कम्फर्ट है, यानी पेनफुल पीरियड है या आप क्या महसूस करते हैं, क्रैम्प है या देरी से होता है, उनके लिए भी अच्छा है। जो महिलाएं बच्चे को लेकर के तैयारी कर रही हैं गर्भधारण करने के लिए, उनके गर्भ को ये अच्छा बेहतरी देता है। इवन अगर आपका गर्भवती हैं तो गर्भावस्था के दरमियान भी इस आसन को किसी भी फेज में, यानी कोई भी ट्राइमेस्टर में किया जा सकता है, पहले दूसरे तीसरे तक, आखिरी शुरू से लेकर आखिरी तक इस आसन को करेंगे तो उनको बैक पेन में भी रिलीफ होगा। नॉर्मल बैक पेन जिनको है उनको भी आएगा। जब आप इस आसन में होते हैं, यानी जो हमारी स्थिति थी, देखिए हमारा वीडियो थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप डिटेल में एक एक जानकारी को जान पाएंगे। 50 वीडियो देखने से अच्छा है कि एक ही वीडियो को हम अच्छे से देखें, समझें और उसको अपना सकें। तो इस स्थिति में जब हम जाते हैं सेतुबंध आसन में, तो जो सामान्य सांस है लेंगे और जब वापसी करेंगे तो पहले हाथ को नीचे करेंगे और धीरे 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 सांस छोड़ते हुए, मैं आसन से वापसी की स्थिति बता रहा हूँ, आप अपने कमर को नीचे ले आए। क्या कमर दर्द में हम इसको कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए, उतना ही उठाइए जितनी सहजता हो। काउंटर पोस्चर के तौर पर अपान आसन करेंगे। कहीं कहीं इसको आजकल पवन मुक्त आसन नाम दे दिया गया है, प्राचीन नाम अपान आसन है, क्योंकि ये अपान वायु पे प्रिवेट करता है। तो ये बैक में रिलीफ देता है, घुटने की समस्या में भी रिलीफ देगा और गैस मुक्त भी करेगा, पाचन शक्ति को एक्टिव करेगा। और सेतुबंध सर्वांग आसन का काउंटर पोस्चर यानी प्रतिक्रिया आसन है कि कमर में कहीं कुछ थोड़ा सा प्रेशर आ गया हो तो वो कुछ सेकेंड इसको रहें, यानी 3 मिनट अगर आसन में रहें तो 30 सेकेंड कम से कम आपको इधर रुकना है, फिर आप सीधा हो सकते हैं। जब भी टर्न लेना है तो बायां दाएं का तो ख्याल रखना है, इतने समझदार तो हमारे साधक हैं ही। अब जो दूसरे आसन की हम बात करने जा रहे हैं वो आसन क्या है जो सभी अंगों को लाभ देता है। आप तो देख लीजिए कि महत्वपूर्ण थायराइड महत्वपूर्ण ग्लैंड है, सेतुबंध थायराइड को एक्टिवेट करता है और थायराइड क्या करता है, पूरे शरीर के विकास का जिम्मा उसके पास है। आपका स्किन कैसा होगा, आपका पूरे शरीर का डेवलपमेंट कैसा होगा, ऑर्गन कैसे डेवलप करेगा, सेल कैसे डेवलप होगा, सेल कैसे रिपेयर होगा, कोशिकाएं कैसे होगी, आपका स्किन हेयर कैसा लगेगा, आंखों में कैसा रहेगा, ताजगी
ये तमाम चीज आपका थायराइड ग्लैंड करता है। तो एक आसन थायराइड को खास तौर पे मजबूत करके बेहतर करके आपको क्या करता है, सभी अंगों के लिए इफेक्टिव बनाता है। आंतरिक जितने ऑर्गन है उसके लिए सेतु बंध सर्वांगासन एकदम महत्वपूर्ण है। दूसरा जो आसन बताने जा रहा हूं उस आसन का नाम ही है सर्वांगासन, लेकिन कोई सर्वांगासन नहीं कर पाए तो वो विपरीत करनी कर सकते हैं। एक विकल्प विपरीत करनी कैसे 13 बीमारियों को ठीक करता है उसका एक वीडियो बना हुआ है, उसको डिटेल में समझिए आप। तो वो ऐसे लोगों के लिए जिनको गर्दन में सर्वाइकल प्रॉब्लम है, सी सेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, गर्दन में कंधे में किसी तरह की चोट है, नहीं कर सकते हैं सर्वांगासन, तो उनको करना है। सेतुबंध आसन कौन कौन लोग नहीं कर सकते भाई, सभी लोग कमोवेश कर सकते हैं। गर्दन में थोड़ी समस्या है, कंधे में, तो मैंने कहा कि सपोर्ट लगा के कोई भी व्यक्ति इसको सहजता से कर सकता है। बुजुर्ग से लेके बच्चे तक सबके लिए अनिवार्य आसनों में से एक है। हम लोग शिविर में इस बात का ध्यान रखते हैं, जो शिविर में आए हैं वो कमेंट भी कर सकते हैं कि हर दिन सेतुबंध आसन जरूर रहता है, कि वो कम से कम आपके अभ्यास श्रृंखला में रहे। अब सर्वांगासन भी नहीं कर पाते हैं, विपरीत करने भी नहीं कर पाते हैं, तो सेतुबंध और उसका प्रतिक्रिया आसन अपान आसन जरूर करना है। अब हम आगे बढ़ेंगे सर्वांगासन की ओर। सर्वांगासन ऐसे कोई भी साधक नहीं होंगे जो जानते नहीं होंगे। आपको लगता होगा सर्वांगासन में जानने जैसी क्या बात है, वीडियो यहीं पे बंद कर दिया जाए, नहीं, ये भूल होगी। सर्वांगासन सभी अंगों को लाभ देने वाला आसन है, तो उसमें हमें किसी तरह की त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। हम समझें कि कैसे सही सही तरीके से सर्वांगासन किया जा सकता है। और साथ ही साथ ये भी सवाल रहता है कि मेरा शरीर बहुत भारी है, मैं तो अपने ही शरीर को उठा नहीं पाता हूं, सर्वांगासन क्या करूंगा, कैसे करूंगा भाई? क्या हम जैसे लोगों के लिए सर्वांगासन नहीं है? सब जन हिताय बहुजन सुखाय सर्वांगासन का नेचर नहीं है? बिल्कुल है, आपको सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो सबसे पहले सरल तरीका क्या है सर्वांगासन का, इसको मैं करके दिखा रहा हूं आपको, उसको समझेंगे, है ना? तो आप क्या करें, वॉल के साथ इस तरह से लंबवत तरीके से अपने मैट को लगाते हैं, पहली चीज ये। उसके बाद जैसे आप सेतुबंध आसन में थे उस स्थिति में आ जाएंगे, अपने घुटने अपने जो पांव का अंगूठा है उसको एकदम से दीवार के साथ चिपका के रखते हैं, ये स्थिति है। यहां से हम लोग सर्वांगासन में सरल तरीके से पहुंचने का हुनर बता रहे हैं आपको। आप जैसे विपरीत करने में पैर को एक खोलते हैं, दूसरे को खोलते हैं, वो कर सकते हैं, और फिर फोल्ड कर दीजिए। अगर आपको लगता हो कि इस तरह से आप अपने अपने बॉडी को पुश नहीं कर सकते, जैसे मुझे अभी थोड़ा लग रहा है, तो मैं अपने आप को और थोड़ा आगे बढ़ा लिया और फिर फोल्ड कर दिया। जैसे सर्वांगासन में पंजे को हिप डिस्टेंस पर रखते हैं वैसा रखेंगे, घुटने को फैला के नहीं रखेंगे। अब यहाँ से इस टेक्निक को समझना है, कितना भी भारी शरीर हो उसको भी उठाया जा सकता है। सही अलाइनमेंट में सर्वांगासन होना जरूरी है। कई कई बार हम सर्वांगासन में बहुत सीधा होने के चक्कर में गर्दन पे बेवजह अपना प्रेशर बढ़ा लेते हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे उल्टा हो जाए, ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में फिर काम करने लगा। अभी तक शरीर ऐसे सीधा था, अभी उल्टा होने वाला है। इन्वर्जन पोजीशन ज्यादा हर ऑर्गन को मजबूती देता है और रक्त यानी ऑक्सीजन प्राण और भोजन के पोषक तत्वों की आपूर्ति कर उसे ज्यादा स्वस्थ करता है। यहाँ पे रहे, देखिए मैं पंजे को दबा रहा हूं, जैसे दबेगा मेरा बॉडी उठेगा और तुरंत हमको हाथ का सपोर्ट दे देना है इस तरह से। फिर थोड़ा सा एक पांव को उठाएंगे, दूसरे पांव को उठाएंगे और एल्बो को जितना नजदीक ला सके इस स्थिति में, फिर एक पांव को हवा में ले जाएंगे। अगर बहुत भारी हैं आप तो यहीं पे रुके रहेंगे, ज्यादा कहीं जाएंगे नहीं, और दूसरे पांव को फिर वापस इस तरह से लाएंगे। शुरुआती अभ्यास में आप कुछ दिनों तक ऐसे करेंगे। मैं कुछ दिनों तक तो वीडियो दिखा नहीं सकता हूँ, एक ही वीडियो को, तो आज के ही वीडियो में पूरा समापन होगा। अब यहां से थोड़ा हील ऊपर उठाएं, हल्का वजन पीछे दीजिए तो संतुलन बनाना आसान रहेगा, और ये भी पांव पीछे ले जाए। अब थोड़ा सपोर्ट देके कमर हो सके सीधा कीजिए, नहीं भी हो सकता है थोड़ा तिरछा भी रखेंगे, जो विपरीत करने का पुराना तरीका था करने का, ये तरीके में भी आपको सर्वांगासन का पूरा लाभ
मिल जाएगा। कई लोग सीधा करना चाहते हैं तो एक तरीका ये भी होता है, मैंने कहा जितना आपका शोल्डर खुलेगा ये, और फिर सीधा इस तरह से ये भी कर सकते हैं आप। एल्बो जितना नजदीक दसों उंगलियां खुली, सर्वांगासन की पूर्ण स्थिति है ये। सर्वांगासन में आप कम से कम एक मिनट, मैक्सिमम तीन मिनट रहे तो काम हो जाता है। आप अगर आप थोड़ा वजन लग रहा हो तो इस तरह से ढीला करें बैक को, और थोड़ा तिरछा करें बॉडी को, ये भी ज़्यादा लाभ दे देगा। वापस आना है, धीरे से एक पैर को लाएंगे, दूसरे पैर को लाएंगे, और धीरे 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 हाथ को हटा के हिप को नीचे करेंगे। कुछ सेकेंड विपरीत करने की स्थिति में रहेंगे। गर्दन पे प्रेशर या कुछ आया हो तो आप टर्न कर जाएंगे, यहाँ पे लेटे रहें। तो इस तरह से कुछ सेकेंड तक आपको विपरीत करने में रिलैक्स होना है, और उसके बाद वापस आके शवासन की स्थिति में कुछ देर तक आपको पड़े रहना है। अभी यहाँ पर आपको एक और आसन, जैसे सर्वांगासन का हम लोगों ने काउंटर सीखा, अब इस आसन को हम लोग काउंटर साइड से देखेंगे कि किस तरह से हम काउंटर पोस्चर करेंगे। तो जैसे विपरीत करने में आएंगे तो उसके बाद भी इधर सामने आ जाएंगे, तो आप क्या करना है, आपको थोड़ा देर तक सर्वांग आसन में लेटे रहना है, जब तक कंधा और गर्दन पे फोकस ध्यान में रखना है कि वो रिलैक्स रहे, प्रेशर नहीं आया हो, तब तक आप लेटे रहें। इसके बाद इसका प्रतिक्रिया आसन करना अनिवार्य है। वो क्या है, सर्वांग आसन का प्रतिक्रिया आसन, मत्स्यासन। दोनों पाँव को मिलाएंगे, हाथ को अंदर ले जाए और अंगूठा एक दूसरे से इस तरह से ओवरलैप हो जाए। हाथ टेढ़ा कई लोग रखते हैं, नहीं, सीधा रखना है जितना अंदर हो सके, ये स्थिति रहेगी। तो ये क्या करता है, बैक को पूरा सपोर्ट देता है, तो बैक पेन नहीं होता। अब यहाँ से सांस लेके अपने आप को उठाएं, ये स्थिति है। छाती को जितना मौका हो खोलने का खोलें, और ये आसन भी फिर पीछे की तरफ ले जाए और रख दें क्रोन एरिया को, फिर आंखें बंद कर लें। छाती उभरी हुई है तो ज़्यादा सांस धीमी गति से लें यहाँ पे और छोड़ दे जाए। वापस जब आएंगे ऊपर उठाएंगे, घसीट के नहीं लाना है, और फिर धीरे से सांस छोड़ के नीचे कर देना, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ के नीचे, हाथ बाहर, और फिर गर्दन को बाएं दाएं एक बार टर्न करके एडजस्ट कर लें और शवासन की स्थिति में पड़े रहें। देर तक आपको शवासन में फिर रहना है, क्यों, क्योंकि अभी आपने उल्टा आसन किया था, यानी विपरीत श्रेणी के इन्वर्जन पोजिशन, उसमें पूरा ब्लड का फ्लो डाइवर्स स्थिति में आ गया था। कई लोग कहते हैं कि हमको ब्लड प्रेशर है, मना किया गया है, सर्वांगासन नहीं करना है, ऐसा नहीं है। दरअसल आप किस तरह से आसन को करते हैं इस पर सब कुछ निर्भर करता है। कई लोग सामान्य बैठे हुए, अब जैसे अनुलोम विलोम भी कर रहे हैं ना, इसमें भी जोर लगा रहे, ये तो ब्लड प्रेशर ये बढ़ा रहा है, आपको लगेगा अनुलोम विलोम हमको असर करेगा, नहीं, ये जो जबरदस्ती हम जो काम करते रहते हैं वही ब्लड प्रेशर की समस्या पैदा करने वाला है। सर्वांग आसन में बहुत सहजता से जो शरीर जितना कर पाता है उतना करेंगे, बिना जोर लगाए, बिना हृदय की गति को बढ़ाए, तो आपको हाई ब्लड प्रेशर भी है तो भी मैं रिकमेंडेड करता हूँ पूरी विश्वसनीयता के साथ, पूरी गारंटी के साथ कि आपको कुछ भी परेशानी नहीं होगी। इवन हार्ट और तैयार होगा विपरीत परिस्थिति में अपने को संभालने के लिए, ये तो और अच्छी बात है। विपरीत परिस्थिति में हार्ट खुद को संभाल नहीं पा रहा है, यही तो ब्लड प्रेशर का एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, कारक है। इसीलिए सर्वांग आसन कर सकते हैं। ये तीनों आसन खास तौर पर, कान खोल के एक बार फिर से सुन लेंगे, ये तीनों आसन यानी सेतुबंधासन, सर्वांगासन, मत्स्य आसन, थायराइड के लिए रामबाण की तरह है। लेकिन क्या मैं बिना किसी तैयारी के इन तमाम आसनों को कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। ये आसन फिनिशिंग स्थिति में है, यानी आसनों की श्रृंखला का सबसे आखिरी स्थिति में हमें ये सब करना है, फिर शवासन कर देना है। आगे शवासन के बाद प्राणायाम और रिलैक्सेशन कर सकते हैं। तो सीक्वेंस बना हुआ है कई सारे योग अभ्यास क्रम में, उसमें एक सीक्वेंस दिया होगा, कम से कम
कुछ सूर्य नमस्कार, कुछ अन्य श्रेणी के आसन जैसे स्टैंडिंग आसन, बैक बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, ट्विस्टिंग, हिप ओपनिंग, ये सब कर लें। एक एक आसन भी हर श्रेणी के, फिर इस स्थिति में आए भले ही आपको इसकी आवश्यकता ज़्यादा हो। ये आसन कई तरह से बीमारियों में का एकदम से रामबाण की तरह काम आता है। कोई बीमारियां होगी नहीं, खासतौर पे थायराइड है, लीवर है, किडनी है, हार्ट है, हार्ट का चेंबर जिनका ब्लॉक हो गया है, ब्लॉकेज को भी रिमूव करने में ये सब आसन सहायक है। लेकिन गंभीर स्थिति वाले डॉक्टर की सलाह के साथ ही इन आसनों को करेंगे और या शुरुआती डायग्नोस्ट करेंगे तब योग को सहायक रूप में लेंगे। बहुत विपरीत स्थिति में तुरंत इमीडिएट रिलीफ वाला जो सिस्टम है उसको अपनाएंगे। योग धीमा गति से आपके जीवन में रूपांतरण लाता है। तो योग कायाकल्प में आज इतना ही। कुछ और सवाल रह गए हों तो आप जरूर करें। ध्यान रहे आसन में सांस लेने का नियम हमेशा बना रहना चाहिए। लंबी गहरी हो जब आसन की स्थिति में हो, जब आसन में आप जाते हैं और आते हैं तभी लेना छोड़ने का ध्यान रखना है। उसके लिए भी एक जादुई तरीका मैंने बता रखा है, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आसन में सांस कैसे लें, कब छोड़ें, उसका क्या गणित है, इसको वशिष्ठ योग ने ढूंढ निकाला है, उसको भी आप जरूर देखें और अपनाएं। कैसा रहा ये वीडियो और क्या क्या आपके सलाह हैं उसको अभिव्यक्त करें, क्या जरूरत है, किस पर वीडियो चाहते हैं कमेंट करें, हम उस पर काम जरूर करेंगे। धन्यवाद, आज इतना ही। जय गुरु भगवान वशिष्ठ। ओम।